वेलकम टू रोशी हयात किचन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। शादियों की रेसिपी तो सभी को बेहद पसंद होती है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। तो इसलिए आज मैं आपके लोगों के लिए लेके आई हूँ फ्राई सीख का कीमा, जो कि बहुत ही मज़े का होता है और ये सबको बेहद पसंद आता है। तो इस रेसिपी को आप ट्राई ज़रूर कीजिए। तो चलिए इस फ्राई सीख के कीमे को बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर कीमा लिया है, यहाँ मैंने मटन का कीमा लिया और ये तकरीबन 750 ग्राम है। तो इस कीमे को मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हमें इसको मैरिनेट करना है, तो उसको लिए मैंने जिस पैन में बनाऊंगी ना, मैंने वही वाले कढ़ाई ले ली है और इसी में हम इसको मैरिनेट करेंगे। तो कीमे को हम इसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे, यहाँ पर दही डालेंगे, आधा कप दही लिया है और ये फ्रेश दही है, कोई खट्टा दही यहाँ पर नहीं लिया है मैंने। 2 बड़े चम्मच लेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट, 1 छोटा चम्मच ले लेंगे यहाँ पर हरी मिर्च का पेस्ट और इसके साथ ही यहाँ डालेंगे 4 बड़े चम्मच मैंने बेसन के लिए हैं। बेसन को मैंने तवे पे ड्राई रोस्ट कर लिया है और उसको ये मैंने यहाँ पर डाल दिया है। सबसे ज़रूरी पॉइंट ये जो है कीमे को अच्छा टेस्ट देता है। और अब यहाँ पर डालेंगे 2 छोटे चम्मच मैंने कचरी पाउडर का लिया है, ये मार्केट में बहुत ही आसानी के साथ में मिल जाता है, लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पर कच्चे पपीते का पेस्ट भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ कचरी पाउडर का यूज़ किया है क्योंकि कच्चे पपीते का पेस्ट कच्चा पपीता मेरे यहाँ मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने कचरी पाउडर डाला है। अब डालेंगे कुछ पाउडर मसाले, जिसमें 1 छोटा चम्मच लेंगे लाल मिर्च का पाउडर, 1 छोटा चम्मच लेंगे कश्मीरी लाल मिर्च का, 1 बड़ा चम्मच लेंगे भुना हुआ धनिया का पाउडर, 1 छोटा चम्मच लेंगे भुना हुआ जीरा पाउडर, 1 चौथाई छोटा चम्मच लेंगे हल्दी पाउडर का, आधा छोटा चम्मच लेंगे काली मिर्च का पाउडर, 1 चौथाई छोटा चम्मच लेंगे दालचीनी और जायफल का पाउडर। ये सारे पाउडर को मैंने यहाँ पर ले लिया है। और हमेशा ध्यान रखिए, नमक और मिर्च आप हमेशा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड कीजिए। तो यहाँ पर सारे मसालों को हमने ले लिया है और इन सारे मसालों को डाल देंगे हम कीमे के अंदर। अब इसके साथ ही डालेंगे 1 छोटा चम्मच यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च का लिया है, नमक डालेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और यहाँ पर 3/4 कप मैंने यहाँ पर प्याज ले ली है तली हुई, ये तकरीबन 2 मीडियम साइज़ की प्याज है, इसको मैंने फ्राई कर लिया है। और आधा कप हम डालेंगे ऑयल, तो यहाँ पर मैंने वही ऑयल का यूज़ किया है जिसमें मैंने प्याज को फ्राई किया था। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे कीमे में। और फ्रेंड्स, ये इतना मज़ेदार कीमा बनके तैयार होता है ना कि आप इसके सामने शादियों वाले कीमे को भूल जाएंगे। और इसको बनाना आपने देखा बेहद आसान होता है। अब सारी चीज़ें कीमे में अच्छे से मिक्स हो गई हैं, तो अब हम इसको करेंगे मैरिनेट। तो मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले आप इसको कवर करके रख दीजिए तकरीबन 4 घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है, आपको नेक्स्ट डे बनाना है, तो आप इसको जो है ओवरनाइट भी रख सकते हैं। और लेकिन मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए मैरिनेट करने के लिए रखिए। अब उसके बाद में 4 घंटे के बाद में मैंने इसको गैस पर रख दिया है। फ्लेम अभी हम रखेंगे हाई पर, क्योंकि हमें जो ये पैन है उसको थोड़ा सा गर्म भी होने देना है, जैसे कीमा वगैरह है वो अच्छे से गर्म हो जाए। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि आप जब भी इसको मैरिनेट करने के लिए रखें तो आप इसको फ्रिज में ही रखें, बाहर रखेंगे तो थोड़ा सा ख़राब होने का डर रहता है। देखिए पैन हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसको मिक्स करेंगे, चलाएंगे इसको तकरीबन 2-3 मिनट तक, हमें इसको बहुत अच्छे से भून लेना है। ये देखिए आप देख रहे हैं कीमे ने पकना स्टार्ट कर दिया है। अब इसको हमें गलाने के लिए रखेंगे, तकरीबन आधा कप मैं इसमें पानी डालूंगी। इसमें बहुत ज़्यादा पानी का यूज़ हम नहीं करेंगे क्योंकि अभी जो कीमा है ना वो भी अपने पानी का रिलीज़ करेगा, जो हमने मसाले डाले हैं दही वगैरह वो भी पानी को रिलीज़ करेंगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा पानी का हम यूज़ नहीं करेंगे। और ये कीमा गल भी बहुत अच्छा जाता है क्योंकि हमने इसको मैरिनेट किया है। और इसके अंदर हमने डाला है कचरी पाउडर जो कि गलावट का काम करता है, तो कीमा तो मैरिनेट होते टाइम में थोड़ा सा गल चुका है। अब इसको हम कवर करके रख देंगे, फ्लेम हम रखेंगे मीडियम टू लो के बीच में और इसको पकने देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के अंदर कीमा बहुत अच्छे से टेंडर हो जाएगा और ये देखिए 15 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए आप देख रहे हैं कीमा अच्छे से गल चुका है। लेकिन अगर आपको लगे कि कीमा स्टेज पर गला नहीं है इतने टाइम के अंदर, तो आप इसको थोड़ा ज़्यादा वक्त के लिए भी रख दीजिए।
कोई ऐसा मसला नहीं है कि इसको ज़्यादा कुक नहीं करेंगे आप, इसको ज़्यादा टाइम के लिए भी रख दीजिए जब तक कीमा अच्छे से गल नहीं जाता। और आप देख रहे हैं अब इसमें थोड़ा सा पानी है, तो उसको फ्लेम को हम रखेंगे हाई पर और हाई फ्लेम पर हम इसके अंदर जितना भी पानी उसको ड्राई कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मच नींबू का रस डालेंगे, थोड़े से अदरक के जूलियंस डालेंगे, इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें डालेंगे, इसको मैंने स्लिट कर लिया है वो डाल देंगे इसमें, और इसको अच्छे से भून लेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। और आप देख रहे हैं कीमा अच्छे से भून चुका है, ऑयल इसमें सरफेस पे आ गया है, थोड़ा सा बस इसे हम और भूनेंगे अभी। और फ्रेंड्स इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है और कीमा हमारा बहुत अच्छे से भून चुका है। और आपने देखा ये कितना ज़बरदस्त लग रहा है, एकदम जो ये मार्केट में जो मिलते हैं ना फ्राई वाले सीख कबाब, बिल्कुल वही टेस्ट है इसका। फाइनली जाएगा इसमें हरा धनिया, जो कि हर खाने की जान होता है। हरा धनिया डालने के बाद में भी इसको एक बार मिक्स करेंगे फ्रेंड्स, और इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी है। लेकिन ठहरिए ठहरिए, अब इसमें थोड़ा सा काम और रह गया है। अब यहाँ पर मैंने एक फॉइल पेपर ले लिया है, उसमें डाल दिया है जलता हुआ कोयला, ऊपर से डाल दिया थोड़ा सा ऑयल, और इसको हम कवर करके रख देंगे स्मोकी फ्लेवर के लिए, क्योंकि जो सीख कबाब होते हैं ना वो उसमें स्मोकी फ्लेवर होता है ना जब वो भट्टी पर सिकते हैं, तो उसी का टेस्ट लाने के लिए, वही फ्लेवर लाने के लिए मैंने इसको कवर कर दिया है। और उसको मैंने रहने रख दिया है तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, क्योंकि मेरे घर पे थोड़ी सी इसमें स्मोकी फ्लेवर जो होता है वो ज़्यादा पसंद किया जाता है। आप चाहें तो इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए भी रख सकते हैं। इसको एक बार मिक्स करेंगे और इसको करेंगे गर्मा गर्म सर्व। और ये देखिए फ्रेंड्स, क्या ज़बरदस्त हमारा फ्राई सीख कबाब का कीमा बन के तैयार हुआ है। इसको डेकोरेट कर दूँगी मैं थोड़े से प्याज के साथ में, जो कि बहुत ही अच्छे लगते हैं। मैंने इसमें लगा दिया है नींबू, और क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त आता है इन चीज़ों के साथ में इसका टेस्ट। तो ये रेसिपी हमारी बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। आप इसको इंजॉय कीजिए रोटी के साथ, बटर नान के साथ, चपाती के साथ, या राइस के साथ, सबके साथ ही बहुत अच्छी लगती है फ्रेंड्स। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और खुशबू तो इसकी बहुत ही अच्छी आती है। जब आप इसको एक बार बनाएंगे तो आप जो शादियों वाले में कीमा मिलता है ना, आप उसका टेस्ट ही भूल जाएंगे। और इसको बनाना बेहद आसान है, तो इस रेसिपी को आप ट्राई ज़रूर कीजिए। आई होप आपको और आपकी फैमिली में रेसिपी सबको बेहद पसंद आएगी। और मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे जो थम्स अप का बटन है उस पर क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलती हूँ मैं एक नई रेसिपी के साथ में, फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़। लव यू ऑल।